इसमें बैंड पाइप चेंज है गाइस, लॉन्ग पंजाबी है, इसका आरपीएम भी स्लो है। सबसे पहले भाई से पूछेंगे, सिद्धार्थ भाई की गाड़ी है ये, और इसमें अभी क्या क्या मॉडिफिकेशन हो गए पहले सब देख लेते हैं, उसके बाद आपको लास्ट में साउंड सुनाऊंगा। सबसे पहले भाई स्टार्ट करो गाड़ी, इस बार आरपीएम सुनाते हैं, काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे। अब दो भाई एक्सीलेटर, एक उसमें देना, रेस देते रहे नॉर्मल। सो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में, इट्स मी अर्शाद साहू। सामने खड़ी है 350 स्टैंडर्ड BS6 2020 है, और देख सकते हैं EFI है, फ्यूल इंजेक्टेड है। इसमें बैंड पाइप चेंज है गाइस, लॉन्ग पंजाबी है, इसका आरपीएम भी स्लो है। सबसे पहले भाई से पूछेंगे, सिद्धार्थ भाई की गाड़ी है ये, और इसमें अभी क्या क्या मॉडिफिकेशन हो गए पहले सब देख लेते हैं, उसके बाद आपको लास्ट में साउंड सुनाऊंगा। तो भाई बताते जाओ क्या क्या मॉडिफिकेशन किए। सबसे पहले भैया तो मैं तो पहले सबसे पहले एलॉय डलवाए हैं। एलॉय डलवाए, इसमें मर्सिडीज वाले जो डलते हैं ये 8,500 के पड़े थे, 8,500 के आगे पीछे प्लस फिटिंग की, उसकी फिटिंग अलग, फिटिंग के साथ टोटल 8,500। और ये बैंड पाइप मैं फिल्टर वाली खरीदा था, लेकिन फिल्टर को मैं हटवा दिया था क्योंकि आवाज उतनी ज्यादा नहीं आ पा रही थी। ये मेरे को बैंड पाइप 1500 की पड़ी थी। अच्छा, और ये साइलेंसर 1500 का, 1500 का सर, कोई 3000 के अप्रोक्स का आ गया होगा। हो गया था लेग गार्ड, लेग गार्ड तो कंपनी का ही है, वो खुलने वाला है कि क्या? नहीं, ये कंपनी वाला ही है ना, ऐसे बात है। और क्या करवाए अपन गाड़ी में भाई, बहुत सारा काम धाम करा चुके हैं देख सकते हो। ये चाबी दिखा दो भाई एक बार निकाल। चाबी भी 350 की बनवाया था मैं, और ये भी ये लोकल ही बनवाया इसको भी? हाँ ये लोकल है, ये मैं अमेजोन से मंगवाया था, ये मेरे को 350 का ही पड़ा था, ये भी उस हिसाब से ठीक है। और देख सकते हैं सामने हेडलाइट की तरफ है, हेडलाइट में मैं HID डलवाया हूँ, इसमें हेलोजन भी है और अपर में HID भी है। और यहाँ जो स्विच लगाते हैं ना जीप वाला, वो मेरे को पसंद नहीं था हैंडल में, तो वो हैंडल स्विच को ना मैं यहाँ पे लगवाया स्विच, हेडलाइट का स्विच नीचे तरफ छुपे तो ये बढ़िया चीज़ है भाई। बाकी ये तो नया दिमाग दे दियो व्यूअर्स को भी, क्योंकि ऊपर का ही सही बोल रहा है भाई, क्योंकि जो क्लासिक की जो हैंडल है और इसके हैंडल में थोड़ा अंतर है, थोड़ा नहीं बहुत अंतर है। और यहाँ पर अगर अपन फिट करेंगे कहीं पर तो उतना अच्छा लगता नहीं, क्योंकि इसका अलग ही लुक है, स्टैंडर्ड को तो जैसा है वैसे ही रहने दे, उतना ही अच्छा है। सामने यहाँ पर नीचे की तरफ पुल इन फुट वाला स्विच लगाया है, जो कि कार्स में नॉर्मली जनरली हूटर्स के लिए लगता है, वही वाला है। ये इंडिकेटर्स के भी इसमें वाइट आते हैं, तो मैं ऑरेंज डलवाया था। चला के दिखाओ ना भाई, इसमें वाइट ग्लास आता था, उसको अच्छा। मैं चेंज करवाया था, मेरे और ये स्टिकर विकर लगवाया था, ये सब, ये भी स्टिकर, ये स्टिकर। अच्छा सीट वगैरह क्या है? सीट तो नॉर्मल है, वो जो कंपनी में ही आती है वही सीट है ये। आप इसको 2021 ही मान लो, 2021 ही मान सकते हैं, क्योंकि 2020 दिसंबर की ये मॉडल है। और टोटल एक्सपेंस बता दो भाई, मोटा माटी जो आ गया होगा इसमें सब चीज कराने में। 40,000 तक आ गया होगा, 40,000 के अप्रोक्स आ गई है। और इसमें आप आपको सबसे पहले भाई स्टार्ट करो गाड़ी, इस बार आरपीएम सुनाते हैं, काफी लोग वेट कर रहे होंगे। देख सकते हैं गाइस ये BS6 है, और BS6 में आरपीएम स्लो किया गया है, शायद से मैं बिलासपुर में पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड में जो कि आरपीएम स्लो है, और बंद भी नहीं हो रही है, नहीं तो कोई कोई गाड़ी तो बंद भी हो जाती है। दो भाई एक्सीलेटर, एक उसमें देना, रेस देते रहे नॉर्मल। तो गाइस होप करता हूँ साउंड आपको अच्छी लगी होगी, और सार्थक भाई सब्सक्राइबर है, सिद्धार्थ भाई ना सॉरी, सब्सक्राइबर है अपने, और भाई की गाड़ी है, देख सकते हैं सही लग रही है, बहुत मॉडिफिकेशन। यहाँ पर भी इसको क्रोम में कराया था कि? अच्छा ये तो क्रोम आता नहीं, इसके ऊपर स्टिकरिंग कराए होंगे शायद, ये क्रोम में ही आता है, इसके ऊपर स्टिकरिंग कराए होंगे ना। देख सकते हैं हॉर्न भी लगाए भाई ने, भाई हॉर्न सुना दो यार। क्रेटा का ही हॉर्न लगा है इसमें, ट्रम्पेट जो आता है वही वाला हॉर्न। गाड़ी बहुत सही लग रही है स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो साउंड था और जो जिसके लिए जानी जाती है स्टैंडर्ड, तो वो स्टैंड कर रही है, क्योंकि जो लॉन्ग पंजाब है और जो बैंड पाइप चेंज कराया है भाई ने, साउंड एकदम प्रॉपर स्टैंडर्ड BS3 जो ओल्ड मॉडल आती थी वैसी आ रही है। पहली बार तो मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि BS6 और BS4 होगी, फिर बाद में जब मैं इसको देखा तब मुझे पता चला कि फ्यूल इंजेक्टेड है।
और तो कुछ है नहीं वीडियो में बताने को। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी होंगे तो, और भी कोई वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा ज़रूर वीडियो बनाने की। इंस्टाग्राम का लिंक ऊपर आ रहा होगा तो वहाँ जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी होंगे तो मुझे बताएं। वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं ऐसे किसी रेस्टोरेंट, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।